हाँ जी सत श्री अकाल दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने YouTube चैनल को ऑफिशियली कन्वर्ट कर सकते हैं एक आर्टिस्ट चैनल में। मैं आपको सारे के सारे मेथड्स बताऊंगा। कुछ मेथड्स हैं वो पेड हैं और कुछ फ्री हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखना, बीच में मत छोड़ना, फिर बाद में मुझे DM मत करना Instagram पे आके कि भाई मेथड वर्क नहीं किया। तो चलिए सबसे पहले तो जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो है आप किसी भी जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके थ्रू YouTube आर्टिस्ट चैनल ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि डिस्ट्रोकिड है और CD बेबी है, तो डिस्ट्रोकिड और CD बेबी में अलग से एक ऑप्शन आता है आपको अपने YouTube आर्टिस्ट चैनल के लिए। तो अगर मैं डिस्ट्रोकिड की बात करूं तो डिस्ट्रोकिड में अगर आप यहां पे मोर में जाएंगे तो यहां पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहां पे आप देख सकते हैं स्ट्रीमिंग सर्विसेज गुडीज, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं स्पॉटिफाई फॉर आर्टिस्ट। आप इसकी हेल्प के साथ अपनी स्पॉटिफाई प्रोफाइल को भी वेरीफाई करवा सकते हैं और एप्पल प्रोफाइल को भी वेरीफाई करवा सकते हैं। और यहीं पे एक ऑप्शन आता है यूट्यूब ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस जो डिस्ट्रोकिड है आपका, अगर आपने यहाँ से म्यूज़िक रिलीज़ कर रखा है तो अपने जो यूट्यूब चैनल को यहाँ पे लिंक करा लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पहले से अपना YouTube चैनल यहाँ पे लिंक करके रखा है। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, वेट करनी है, जो डिस्ट्रोकिड वाले हैं वो आपको आर्टिस्ट चैनल प्रोवाइड करवा देंगे। जब भी आपका आर्टिस्ट चैनल आप चेक करती रहेगा मैनुअली अपने चैनल को, जब भी वो कन्वर्ट हो जाएगा आपको आपका आर्टिस्ट चैनल मिल जाएगा। और अगर आप CD बेबी यूज़ करते हैं तो CD बेबी में यहाँ पे आपको टॉप पे देखने को मिलेगा टूल्स एंड प्रमोशन का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट एन ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल। यहाँ पे भी आपको सेम ही प्रोसेस फॉलो करना है, आपको अपना यूट्यूब चैनल यहाँ पे लिंक करवा देना है और CD बेबी वाले आपको जो आपका आर्टिस्ट चैनल है वो प्रोवाइड करवा के दे देंगे। तो ये एक पेड मेथड है, जो डिस्ट्रोकिड और ये CD बेबी है ये म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और ये आपसे फीस लेते हैं आपका म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अगर आप इनकी सर्विसेज लेंगे तो ही ये आपको फ्री जो यूट्यूब आर्टिस्ट चैनल है वो प्रोवाइड करवाएंगे। और जो दूसरा मेथड है वो है लेबल्स के थ्रू। अगर आप किसी भी लेबल यूज़ करते हैं अपना म्यूज़िक रिलीज़ करवाने के लिए तो आप अपने लेबल को भी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं कि हमें यूट्यूब आर्टिस्ट चैनल चाहिए। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो आता है, वो भी एक डिस्ट्रीब्यूटर ही है, रूट नोट, लेकिन ये एक फ्री डिस्ट्रीब्यूटर है। इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, आप ऊपर आई बटन पर देख सकते हैं आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने जो टॉप पेड और फ्री डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी उस पर मैंने इसके बारे में बात की थी। तो अगर आपने रूट नोट के थ्रू सिर्फ एक म्यूज़िक भी रिलीज़ किया है तो ये आपको एक फॉर्म देते हैं, इस फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर आपने रूट नोट के थ्रू अपना म्यूज़िक रिलीज़ करवाया है, सिर्फ एक वीडियो आपके चैनल पे वो होनी चाहिए और एक जो अपना जो म्यूज़िक है वो रूट नोट के थ्रू रिलीज़ किया होना चाहिए, और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, ये फॉर्म फिल कर देना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आपको ये फॉर्म फिल करना है और कुछ 3-4 दिन में आपको रिप्लाई आ जाएगा अगर ये आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं। अगर कोई इशू होता है तो ये आपको बता देंगे, आप उस इशू को सॉल्व कर सकते हैं और रूट नोट वाले आपको बिल्कुल फ्री में आपका यूट्यूब आर्टिस्ट चैनल प्रोवाइड करवा देंगे, आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं, बस आपको ये फॉर्म फिल करना है। और उसके बाद जो हमारा अगला मेथड आता है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया था, मैं पहले बता चुका हूँ कि आप डायरेक्टली यूट्यूब को भी मेल कर सकते हैं यूट्यूब आर्टिस्ट चैनल के लिए, लेकिन वहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट हैं। यहाँ पे यूट्यूब ने ये कह के रखा है अगर आपके मिनिमम 3 सॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हैं और आपके चैनल पे कोई भी स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए तो ही आपको आर्टिस्ट चैनल मिलेगा। आप यूट्यूब को डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, तो मेल क्या करनी है, कहाँ पे मेल करनी है वो मैं ऑलरेडी इस वीडियो में बता चुका हूँ, आप ऊपर आई बटन पर देख सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगी और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक मेल PDF दे रखा है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसी में मैंने आपको बता रखा है मेल क्या करनी है, कहाँ पे मेल करनी है। तो ये हमारा एक और मेथड है और ये फ्री मेथड है। मैंने आपको आज की वीडियो में वो सारे मेथड बता दिए हैं जो मोस्टली अभी ट्रेंडिंग में है, जो लोग यूज़ करते हैं यूट्यूब आर्टिस्ट चैनल के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ पेड मेथड के साथ आप जाना चाहते हैं तो आप पेड मेथड के साथ जा सकते हैं, अगर फ्री में जाते हैं तो फ्री मेथड्स मैंने आपको बता दिए हैं दो, वो आप ट्राई कर सकते हैं। और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको जो मुझसे पूछे जाते हैं मैं उसका आंसर दे देता हूँ। आप मुझे बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई टाइम कितना लगेगा यूट्यूब आर्टिस्ट चैनल के लिए, तो मिनिमम टाइम आप लगा कर चलें 7 डेज़ का होता है,
7 days, मतलब एक वीक या फिर 2 वीक का आप मिनिमम टाइम लगा कर चलें, और मैक्सिमम आप 3 से 4 मंथ लगा कर चल सकते हैं। आपको सिर्फ वेट करनी है, वेट के सिवा आप कुछ नहीं कर सकते जब तक सामने से YouTube को रिप्लाई नहीं आ जाता। और आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मैं ऑलरेडी वीडियोस में बता चुका हूँ, अगर आपके भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं आप ऊपर आई बटन पर ये वीडियो देख सकते हैं, Q&A वीडियो है, मैं पहले बना चुका हूँ, सारे क्वेश्चंस का मैंने आंसर दिया था इसमें, आप इस वीडियो को देख लीजिए और आपको मे बी आपके क्वेश्चन का आंसर है जो इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा।